ओके तो मैं हूँ अपनी ये दुकान बंद करवाते कर दे भाई कर दे, ये मैं आखिरी कस्टमर था दुकान का। Day two. मेरे को मिली ये दो चीजें। अब ये क्या है, ये दरअसल फैन। अब ये फैन मिलते हैं आपको पावर सप्लाई के अंदर, कंप्यूटर के अगर आपके पास पावर सप्लाई हो। जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है आजकल, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी पूछो मत। मैं इनका यूज करने वाला अपनी बाइक के अंदर, दिखाता हूँ कहाँ पर। मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो ये कि जो फैंस हैं उनको यहाँ पर लगाऊंगा। हाँ, फैंस मतलब ये वाले फैंस पंखे, मैं सोच रहा हूँ इनको यहाँ पर लगाऊंगा दोनों को वन बाय वन करके। और हाँ, ये थोड़ा सा टिपिकल काम है बट नामुमकिन तो नहीं है ना। चलो कि दोनों पंखे यहाँ लग चुके हैं। मैं ये चाहूँगा अगर कभी मैं इसे ऑफ करना चाहूँ या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए, मैं इन्हें ना यूज़ करना चाहूँ तो मैं इन्हें ऑफ भी कर सकूँ। एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये ब्रशलेस है। और हाँ, मैंने इनका यूज़ इससे पहले 1.5 साल किया था अपनी ब्लैक वाली 180 में। अब कुछ लोग मेरे से कहेंगे आप इन्हें ऑन और ऑफ क्यों करना चाहते हो या फिर ऐसा स्विच क्यों लगाना चाहते हो। या तो अननेसेसरी यूज़, या कभी बैटरी पे लोड ना देना हो, इसकी कभी ज़रूरत ना हो, इसमें कोई फॉल्ट या कोई चेंज करना हो तो मैं इस सर्किट को ऑफ कर सकूं। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्विच का यूज़ करूँगा, ऑन और ऑफ वाले। और ऊपर की तरफ मेरी बाइक में अब हैंडल के पास कहीं भी जगह नहीं है तो मैं इधर की तरफ इसको लगाऊंगा। अब लोग कहेंगे आप ये वाला स्विच क्यों लगा रहे हो कंपैरेटिवली ये वाले या ये वाले स्विच से। तो मैं कहना चाहूंगा इन स्विचों की लाइफ अकॉर्डिंग टू मी या मेरे खुद के यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इतनी नहीं रही है। अक्सर इन स्विचों की लाइफ कम है तो इसलिए मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कभी भी स्विच यूज करते तो इस तरीके का ही करो। इसकी वायरिंग मैं कैसे करूंगा, एक पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा ग्राउंड से और दूसरे को इग्निशन से। अगर वायरिंग जाननी हो तो यहाँ की तरफ एक वीडियो आ रही होगी, आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें आपको इसके बारे में सब कुछ दे रखा है। टाइम ना वेस्ट करते हुए इस स्विच को लगाऊंगा और इन फैन को ऑन कर दूंगा। चलिए तो दोस्तों ये लग चुके हैं फॉर अ टाइम बीइंग। मैं इनका टेम्परेरी इस्तेमाल करके देखना चाहूँगा एक्चुअली में कैसे चलते हैं कैसे नहीं। और हाँ, मैं कहना चाहूँगा एक साइड का फ़ैन परफेक्टली फाइन था, दूसरी साइड का जो फ़ैन था वो आवाज़ कर रहा था। मैंने खोला, तारे ही तोड़ दी। हाँ, अब एक साइड का फ़ैन नहीं चल रहा, इस साइड का चल रहा है। तो कुछ ऐसे चलता है एक साइड का फ़ैन, ये वाला नहीं चल रहा। हाँ, फ़ैन महंगा आता है, ये एक्सपेंसिव है। एज ऑफ नाउ ये लुक एनहेंस करने के लिए तो मुझे अच्छा लगता है, बाकी देखते हैं। इस टाइम तक मैं इसका इस्तेमाल करके देखूंगा, अगर मुझे ठीक लगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसे उतार दूंगा। फाइनली आज बाइक एकदम साफ सुथरी चिकनी चमकती हुई है। मैंने नीचे की तरफ फ़ैन लगा दी है, देख सकते हैं लुक एनहांस कर रहे हैं। ये वाला पंखा चल रहा है बट ये वाला पंखा बंद है। अब ये हवा से चलेगा, चलता रहने दो कोई बात नहीं क्योंकि मैंने इसे ख़राब कर दिया। कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने इसे तार से क्यों बांधा है। भैया, तार से बांधने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। कुछ लोग कहेंगे भाई क्या ये इसके अंदर सटेगा, शॉकर दबने के ऊपर इसमें लग रहे हैं। मैंने ट्राई करा बट ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ टच नहीं कर रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाइक के एक बार हॉर्न सुना देता हूँ, बहुत ही प्रीमियम और मस्त बज रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं हमेशा तरसता रहता था, अब से ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी। चलते हैं बाइक के फाइनली बी रोड।
20 की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। और इसी के साथ ये मेरी फ्रेंड है दरअसल, सब्सक्राइब हिज चैनल, गेट इंस्टॉल्ड, बड़ा सोच के बदलती है, कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड है दरअसल, ठीक है, ज्यादा मैं सोचता, पुरानी कॉलेज फ्रेंड है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कुछ बोलना चाहती है? यस, हे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल, गेट इंस्टॉल्ड, ठीक है, ओके, तो सो इस वीडियो को करते हैं कहीं एंड, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय।